माइक हमारा था बहुत अच्छा चारी चारी काम चारी कर रहे हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूला इलेक्ट्रॉनिक्स और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस ऑडियो मॉड्यूल के बारे में बताने वाले हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल का रिव्यू किया था और उसके डिटेल्स के बारे में मैंने बताया था तो उस वीडियो में दोस्तों मैं इस मॉड्यूल के बारे में बताया था कि यहाँ पे जो इसमें एक ऑप्शन है माइक का वो हमारा माइक किस प्रकार से काम करता है ये माइक जो हम लगाएंगे इसमें वो कौन सा माइक लगेगा और इसमें जो माइक काम करेगा दोस्तों गाने के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे उसके ऊपर अगर माइक लगाएंगे तो हमारा जो यू से सॉन्ग प्ले होगा या किसी भी तरीका से इसमें जो सॉन्ग प्ले होगा वो माइक उसके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें जो दोस्तों माइक आप किसी भी तरीका का यूज कर सकते हो और यहाँ पे मेरे पास एक बगल में देख सकते हो ये एम्पलीफायर है जिसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था और दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ये सौ वाट प्लस सौ वाट स्टूडियो एम्पलीफायर है इसमें इनवील्ड ब्लूटूथ प्लस यहाँ पे यू एस ऑक्स इनपुट है और यहाँ पे ऑक्स आउटपुट ले सकते हो जिससे आप किसी और एम्पलीफायर भी कनेक्ट करके चला सकते हो तो यहाँ पे अगर इसका वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप इस एम्पलीफायर का वीडियो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं तो यहाँ पे इसका दोस्तों मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि हमारा जो यहाँ पर माइक का फंक्शन है दोस्तों किस प्रकार से काम करता है तो चलिए इसका कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं तो कनेक्शन से पहले थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में बता देते हैं पीछे जो इसका जो कनेक्शन बने हुए हैं वो यहाँ पे रेड वाला हमेशा सप्लाई के लिए होता है और यहाँ पे नीचे इसका जो हमारा ऑडियो आउटपुट के लिए है और यहाँ पे जो फोर डॉट देख रहे हैं इसमें हमारा तीन ऑक्स के लिए दिया गया है जिससे आप ऑक्स मोड पे इसको चला सकते हो और बाकी यहाँ पे एफ एम मंटीना का है और यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए ऑप्शन दिया गया है तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसको आप 12 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पे एस एम डी अठहत्तर जीरो पाँच लगाना होगा ठीक है उसके बाद आप बारह वोल्ट से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो तो यहाँ पर हम इसको कनेक्शन करेंगे तो इसको सप्लाई देने के लिए मैं अलग से एक पावर सप्लाई यूज करने वाला हूं तो यहाँ पे हमारा सप्लाई आ चुका है और बहुत ही अच्छा इसका डिस्प्ले का क्वालिटी है और अब हम इसमें इस एम्पलीफायर के साथ इसको कनेक्शन करूँगा ताकि हमें पता चले कि इसमें किस प्रकार से माइक काम करता है तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर दूंगा यह भी ब्लूटूथ मोड पे है जैसे ही हम इसमें ऑक्स को लगाएंगे ये ऑक्स मोड पे चला जाएगा ऑटोमेटिक और जैसे हम इसको हटाएंगे ये फिर से ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा और जैसे हम इसको लगाएंगे ये ऑक्स मोड पर चला जाएगा उसके बाद हम इसको यहाँ से ऑडियो आउटपुट वाले पिन में इसको लगा देंगे okay. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको लगाया ये एफएम मोड पे है तो यहाँ पे हमारा एफएम चालू हो चुका है अब हम इसको मोड को चेंज करते हैं ब्लूटूथ ये ब्लूटूथ मोड है उसके बाद फिर से हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा अभी दो ऑप्शन दिखा रहा है ठीक है जब हम इसे माइक लगाएंगे तब हमारा इसमें माइक का ऑप्शन दिखाएगा तो चलिए यहाँ पे हम माइक को लगा लेते हैं जो बोया का माइक आता है आप ये भी यूज कर सकते हो तो जब आप बोया का माइक आप इसमें यूज करोगे दोस्तों तो आप इसमें क्या करोगे कि जो स्विच हमारा कैमरा के ऊपर होना चाहिए नीचे वाले पे काम नहीं करेगा ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पे इस बोया वाला माइक को ही लगा लेता हूँ और इसमें किस प्रकार से फंक्शन काम करता है तो मैंने यहाँ पे माइक को लगा लिया है अभी हमारा यहाँ पे एफएम चालू है तो जब हम इसको लगाएंगे उसके बाद हमारा यहाँ पे माइक का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे हम मोड को दबाएंगे तो यहाँ पे मोड को मैंने दबाया और ये माइक का ऑप्शन आ चुका है ठीक है अगर माइक का माइक वाला ये मैं पिन निकाल दूँगा तो ये हमारा ऑप्शन ख़त्म हो जाता है और जब हम इसको लगाएंगे तो ये हमारा माइक का ऑप्शन आ जाता है तो चलिए हम माइक को टेस्ट करते पहले किस प्रकार से हमारा ये माइक काम करता है हेलो हेलो तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो हेलो माइक हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है हेलो 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 माइक हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इको के साथ काम कर रहा है ठीक है हेलो 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 तो यहाँ पे इको के साथ काम कर रहा है और इसमें इको हम बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसका ऑप्शन इसमें दिया गया नहीं है फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें इको बंद होता है कि नहीं होता है ठीक है हेलो 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 तो दोस्तों इसमें इक्को का जो ऑप्शन है बंद करने के लिए नहीं दिया गया है और चलिए अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो ये माइक है गाने के साथ काम करता है कि नहीं करता है वो मैं को चेक करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पेन ड्राइव को लगाता हूँ उसके बाद मैं सॉन्ग के साथ इसमें चेक करूँगा कि हमारा माइक काम करता है कि नहीं करता है तो मैं यहाँ पे यूएसबी को लगा दे रहा हूँ अब यहाँ पे सॉन्ग प्ले होगा By USB ये USB हो चुका है हाँ हेलो हेलो हाय हेलो तो दोस्तों ये हमारा जो माइक है सॉन्ग के साथ भी काम करता है ठीक है आप देख सकते हो हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो 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 ये सॉन्ग के साथ जो माइक का जो साउंड है दोस्तों थोड़ा कम लगता है लेकिन यहाँ पे सॉन्ग के साथ भी ये काम करता है हेलो 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 मैं यहाँ पे साउंड को कम करके देखता हूँ उसके बाद माइक का ये कैसा फंक्शन है हेलो 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 यहाँ पे नहीं काम करता है इसको साउंड को बढ़ाना ही पड़ेगा हेलो तो दोस्तों ये गाने के साथ भी ये काम करता है हेलो हेलो उतना पता नहीं चलता क्योंकि सॉन्ग का जो साउंड है दोस्तों हमारा ज़्यादा है हैलो ये सॉन्ग के साथ जो हमारा दोस्तों पता नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सॉन्ग का जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसके वजह से ये हमारा माइक का जो साउंड है नहीं आ पाता है ठीक है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो माइक है बहुत अच्छा काम कर रहा है और इक्ो के साथ काम कर रहा है लेकिन मैंने इक्ो को बंद करने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इक्ो का तो आप जो इसमें माइक यूज करोगे दोस्तों वो इक्ो के साथ ही यूज होगा इसमें ऑप्शन नहीं है बंद करने का तो हालाँकि इक्ो भी इसमें ज़्यादा नहीं है कि आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम हो लेकिन यहाँ पर मुझे एक कमी लगा जो और वो कमी लगा दोस्तों मुझे सॉन्ग में जो कि जब हम सॉन्ग के साथ माइक यूज करते हैं तो हमारा माइक का जो साउंड है दोस्तों थोड़ा कम पड़ जाता है अगर आप इसको बिना सॉन्ग के यूज करते हो तो काफ़ी अच्छा ये काम करेगा अगर आप सॉन्ग के साथ इसको यूज़ करना चाहते हो तो सॉन्ग के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सॉन्ग का साउंड थोड़ा कम होना चाहिए तब आपका ये बहुत अच्छा काम कर लेगा और सुनने में अच्छा लगेगा तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस मॉड्यूल को कनेक्शन करके और माइक यूज कर सकते हो तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो